नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने ट्रेनी अधिकारियों से कहा कि आप जैसे युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है, महिला अफसरों की भूमिका भी अहम है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अफसरों की पढ़ाई देश सेवा में काम आती है। पीएम मोदी ने कहा कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के सभी ध्वजवाहक हैं और इसीलिए आपकी हर गतिविधि में नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना झलकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों और शहरों में होंगी। आपको एक मंत्र हमेशा याद रखना होगा कि फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देश हित और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल की 15 अगस्त खास है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ इस बार पूरा देश मनाएगा। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। वहीं पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल ही के सालों में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा हर साल ये प्रयास रहता है कि आप जैसे युवा साथियों से संवाद करूं और आपके विचारों को जानूं, क्योंकि आपके विचार, सवाल, उत्सुकता मेरे लिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक होंगे। वहीं ट्रेनी अफसरों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नए संकल्प से इरादे से आगे बढ़ना है और अपराध से निपटने के लिए नया प्रयोग जरूरी है। पीएम मोदी ने सत्याग्रह आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी जी ने सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजों की नींव हिलाई थी। पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के 2 घुसपैठियों को मार गिराया है। ये घटना बीती रात करीब 9:45 बजे की है और बीएसएफ ने दोनों घुसपैठियों को रोकने के लिए कहा, लेकिन उन दोनों ने बीएसएफ की चेतावनी को नजरअंदाज करते रहे और इसके बाद बीएसएफ ने दोनों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद फिरोजपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में अब बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है और ये घुसपैठिए ऐसे पर मारे गए हैं जब पिछले कई दिनों से पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन की एक्टिविटी देखी जा रही है। बॉर्डर पर तस्कर काफी सक्रिय हैं और फिलहाल बीएसएफ इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर ये देख रही है कि बॉर्डर पर मारे गए इन दोनों घुसपैठियों के दोस्त तो नहीं छिपे हैं और इसकी भी जांच की जा रही है कि कहीं घुसपैठी अपने साथी हथियार और ड्रग्स तो लेकर नहीं आए। साथ ही आज पुलवामा जिले के नागबेरान तरसार वन क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। साथ ही बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हुई है। वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर शनिवार सुबह दक्षिण कश्मीर के नागबेरान तरसार वन क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था और उन्होंने बताया कि तलाशी कर रहे दल पर आतंकवादियों ने गोलियां चला दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी और सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 आतंकवादी मार गिराए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 साल पहले कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी और कांग्रेस नेता राज बब्बर समेत 9 लोगों पर आरोप तय किया है। इस पूरे मामले से जुड़े गवाहों को अब 20 अगस्त को गवाही के लिए बुलाया गया है। साथ ही बता दें कि 17 अगस्त 2015 को कांग्रेस पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में इन सभी पर आरोप तय किए गए हैं। वहीं प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी और राज बब्बर समेत 9 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर दिया गया है। साथ ही इस मामले को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इस दौरान सांसद रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर, शैलेंद्र तिवारी, राजेश त्रिपाठी, बोधलाल शुक्ला, ओंकार नाथ सिंह, मनोज तिवारी, रमेश मिश्रा और प्रहलाद प्रसाद द्विवेदी कोर्ट में हाजिर थे। वहीं निर्मल खत्री, मधुसूदन और प्रदीप कुमार
के शर्मा, अजय राय और प्रदीप जैन इत्यादि इस सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थे। साथ ही इस वजह से कोर्ट ने इन छह अभियुक्तों की अनुपस्थिति के चलते इनकी पत्रावली अलग करने का आदेश भी दिया है। बता दें, अदालत ने इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है और इससे पहले विशेष अदालत ने बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग वाली यूपी सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। यूपी की योगी सरकार शराब माफियाओं पर नरमी बरतने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अवैध शराब के कारण बीते दिनों हुई कई घटनाओं को लेकर सरकार अब सख्ती के मूड में आ गई है और इसीलिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी पुलिस को निर्देश भी जारी किया गया है और सीएम योगी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रदेश में अवैध शराब बनाने, क्रय विक्रय की एक भी घटना घटित न हो। योगी ने पुलिस को अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारने के लिए भी कहा है। साथ ही पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान और तेज करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस से कहा गया है कि वो जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। साथ ही अवैध शराब को लेकर यूपी सरकार तेजी से अब कार्रवाई करती नजर आ रही है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक हफ्ते में छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग ने छापेमारी में 31,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब बरामद की है और इसके अलावा सैकड़ों कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही इस दौरान पुलिस ने 944 मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। पंजाब में लंबे समय से चले कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चले विवाद के खात्मे के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन ने कहा है कि पार्टी अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे। पंजाब आलाकमान ने पिछले दिनों लंबी बातचीत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, दोनों मिलकर साथ चलेंगे और सबको मिलकर काम करना ही होगा। कुल मिलाकर हम साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब मैं अध्यक्ष बना तब अकाली की सरकार रही और तीन बार जब भी अध्यक्ष बना हम विपक्ष में रहे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए हमारी सरकार के साथ। इस बार सरकार भी उनकी और पार्टी भी उनकी, हमें मिलकर काम करना चाहिए। वहीं चुनाव को लेकर कैप्टन ने कहा कि चुनाव के लिए मिलकर काम करना ही होगा, यही एक तरीका है। इटावा के सैसो में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार यादव के बेटे मोहित यादव की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। राजकुमार यादव टिटावली गांव में अपने घर पर बिजली का बोर्ड ठीक कर रहे थे जिस वक्त उनको करंट लग गया। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। बता दें कि राजकुमार यादव की एक महीने पहले ही शादी हुई थी। तो इटावा का ये पूरा मामला है जहां पर करंट लगने की वजह से राजकुमार यादव की जान चली गई है। बता दें, जिस वक्त उन्हें करंट लगा वो बिजली का एक बोर्ड ठीक कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें करंट लग गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वही बताया जा रहा है कि राजकुमार यादव की शादी एक महीने पहले ही हुई थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव ने सीएचसी का निरीक्षण किया और इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए जमीन का भूमि पूजन भी किया और कई अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण किया। तो बता दें, शिवपाल यादव जसवंत नगर पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर उन्होंने एक सीएससी का निरीक्षण किया और इसके साथ ही वहां पर पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट के लिए जमीन का भूमि पूजन भी किया और कई अन्य योजनाओं का लोकार्पण भी किया। तो बता दें, शिवपाल सिंह
जसवंत नगर पहुंचे थे, जहां पर उनका विधानसभा क्षेत्र है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अब चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसीलिए इसी के तहत शिवपाल सिंह यादव अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने CHC का निरीक्षण भी किया और साथ ही बता दें ऑक्सीजन प्लांट के लिए जमीन का भूमि पूजन भी किया और कई सारी योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण भी किया। बरेली के भरतौल से एक वीडियो सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल ग्रामीणों ने युवक को लोहे का जाल चुराते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं बेरहमी से की गई इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया और ग्रामीणों ने पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी युवक और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो बता दें एक युवक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और ये पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बरेली के भरतौल का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल ग्रामीणों का ने युवक को लोहे का जाल चुराते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसकी जमकर ग्रामीणों ने पिटाई की और वहीं पर मौजूद किसी ने इस पूरी पिटाई और पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने युवक की पहले खूब पिटाई की और उसके बाद उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक सहित उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो का जब हमने जांच कराया तो पता लगा कि यह वीडियो थाना कैंट के ग्राम भरतौल का है। मामला इस तरह है कि दिनांक 22/7/2021 को ग्राम भरतौल में वहां के ग्रामीणों ने 4 लोगों को पकड़ा था, जो कि ये कबाड़ी का काम करते थे। ये 4 लोग वहाँ पर पंचायत घर की लोहे की जालियाँ चोरी करते हुए पकड़े गए थे। इन 4 लोगों को वहाँ के जो लोकल लोग थे, ग्रामीण थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। 4 लोग को थाने पर लाया गया था और इस संदर्भ में थाना कैंट पर 379/411 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 4 का मेडिकल परीक्षण कराया गया था और इन्हें जेल भेज दिया गया था। मथुरा में ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया। कार्यक्रम के लिए मथुरा पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा ने वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर बसपा नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से आज प्रदेश का ब्राह्मण अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, हम जगह जगह प्रबुद्ध जन ब्राह्मण सम्मेलन कर उनको उनका सम्मान वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने जो सम्मान ब्राह्मणों को दिया है, वो सम्मान उनको कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो बता दें लगातार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मणों को साधने की तमाम पार्टियां कोशिश कर रही है और इसीलिए ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसके लिए आज मथुरा में इस ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के लिए मथुरा सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वृंदावन में पहले बांके बिहारी मंदिर में मत्था टेका और उसके बाद आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में ब्राह्मण अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, हमारी पार्टी ब्राह्मणों को पूरा सम्मान देगी और इसीलिए हम पूरे यूपी में ब्राह्मणों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं और खास तौर से उसमें ब्राह्मण समाज जिस तरह से आतंकित है, प्रताड़ित है, उसको उसके बीच में जा करके उनकी बात सुन करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका मान सम्मान स्वाभिमान जो छीन लिया गया है उसको वापस दिलाने के लिए हम लोग आगे निकले। JDU के लिए आज का दिन काफी खास है, क्योंकि दिल्ली में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम 4 बजे की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर फाइनल मोहर भी लग जाएगी। इसके पहले दिल्ली के जंतर मंतर कार्यालय में 11 बजे से एक बैठक शुरू की गई थी। इसमें तत्कालीन मुद्दों पर चर्चा की गई और यही मुद्दे शाम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लाए जाएंगे और उन्हें
पास भी किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कोई भी एजेंडा कार्यकारिणी की बैठक में नहीं रखा गया। वहीं पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक एजेंडा लाया जा सकता है और उसे कार्यकारिणी में तत्काल ले जाया जाएगा और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी किया जा सकता है। इस पद की रेस में सबसे आगे ललन सिंह का नाम चल रहा है और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी है। इन दोनों नामों पर अगर सहमति नहीं बनी और पार्टी में अंतर्कलह की आहट तेज होती दिखी तो जेडीयू का नया पालन प्लान भी तैयार है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ नेता विशिष्ट नारायण सिंह या खुद नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस पद के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें बता दें ये दो नाम शामिल थे जो अभी हमने बताए थे और अगर उन दो नामों पर सहमति नहीं जताई गई तो हो सकता है कि विशिष्ट नारायण सिंह खुद और या फिर नीतीश कुमार भी इस पद पर हो सकते हैं। बिकरू कांड के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की बड़ी बेटी वैष्णवी ने यूपी पुलिस में ज्वाइन कर लिया है। बता दें वैष्णवी मूल रूप से यूपी के बांदा जिले की रहने वाली है और हाल ही में विभाग में उनका चयन किया गया है। साथ ही उनका चयन विकास दुबे कांड में शहीद पिता के मृतक आश्रित कोटे से विशेष कार्य अधिकारी के पद पर हुआ है। वहीं बेटी के पुलिस की वर्दी पहनने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि बांदा में रह रहा परिवार शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का वही रुतबा उनकी बेटी में देख रहा है। बांदा शहर के महाराणा प्रताप चौक में पुलिस लाइन की तरफ से जाने वाली रोड में शहीद सीओ का मकान है जहां उनके दोनों छोटे भाई और उनका परिवार रहता है। मकान के गेट पर आज भी शहीद सीओ के नाम की तख्ती उसी शान से लगी हुई है जिससे पहले लगी थी और शहीद सीओ की दोनों बेटियां हैं और जिनमें से बड़ी बेटी वैष्णवी है जिसे इसका सिलेक्शन ओएसडी के रूप में अब हो गया है। वहीं नीट एग्जाम भी क्वालिफाई वो कर चुकी हैं जबकि छोटी बेटी वैशाली अभी भी कानपुर से बीएससी की पढ़ाई कर रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चला रखा है। वहीं जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि पुलवामा के त्राल के नागबेरान तारसर के जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं। इस पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा लेकिन आतंकियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया जिसके बाद आतंकियों ने को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए आतंकियों को मार गिराया है। वहीं आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चला रखा है और इससे पहले बता दें कि 24 जुलाई को उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले बांदीपोरा में भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुरू हुआ था जो लगातार 3 दिन चला। सुरक्षा बलों की तरफ से सुमलर इलाके के शोक बाबा और आरा गाम जंगल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया जो कि लगातार करीब 72 घंटे से भी ज्यादा का समय तक चला था। तो बता दें सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें सुरक्षा बलों को इनपुट पहले से ही मिला था और उसी के हिसाब से इनपुट को देखते हुए आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। हालांकि आत्मसमर्पण के लिए भी कहा था आतंकवादियों को लेकिन आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया जिसके बाद खुद को घिरा हुआ देखते हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ही फायरिंग कर दी जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। और बता दें इससे पहले भी 24 जुलाई को भी सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था जो 72 घंटे तक चला था। वहीं सुमलर इलाके के शोक बाबा और आरा गांव जंगल क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था जो कि लगातार करीब 72 घंटे से भी ज्यादा समय तक चला था जिसके बाद अब सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल स्पेशल सेल ने देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को सहारनपुर यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस कस्टडी से फरार होने की असफल कोशिश की थी। गैंगस्टर जठेड़ी पर बता दें 7 लाख का इनाम घोषित था। गैंगस्टर पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई मामले पहले से ही दर्ज है। वहीं जठेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर भी शामिल है। उसके ज्यादातर शूटर विदेश में हैं और विदेश में बैठकर शूटर इस ग्रोह को चला रखे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी पर मकोका लगाया हुआ है और वो एक दशक से अपराध की दुनिया पर राज कर रहा है। बता दें स्पेशल सेल डीसीपी मनीष चंद्रा ने बताया कि स्पेशल सेल टीम काफी लंबे वक्त से काला जठेड़ी के पीछे लगी हुई थी। इस दौरान टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से सहारनपुर से शुक्रवार को काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन टीम ने उसे पिस्टल के साथ मौके पर ही दबोच लिया। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। वहीं बता दें कि काला जठेड़ी को आतंक का पर्याय कहा जाने लगा था। बिहार के गया के डोभी ब्लॉक के कोठवारा बरिया गांव में निरंजना नदी पर बन रहा पुल मामूली बाढ़ की होने की वजह से भरभरा कर ढह गया। ये वही पुल है जो पिछले 6 साल से बन रहा है। बता दें निर्माण के काम पर अब तक नदी में 16 पिलर ही खड़े किए जा सके हैं। जिस वक्त ये पुल ढह रहा था उस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो पूरे इलाके में शेयर किया जा रहा है। बता दें पुल का शिलान्यास 2015 में क्षेत्र के पूर्व विधायक विनोद यादव ने किया था और पुल की लागत 13 करोड़ रुपए है। बता दें साथ ही इसे नाबार्ड योजना के तहत भी बनवाया जा रहा है और इसे बनाने की जिम्मेदारी तिरुपति बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है। वहीं पुल बनाने में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने का मामला भी सामने आया है और ऐसा आरोप भी कंपनी पर लगाया गया है। साथ ही इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया और इसी वजह से कई बार काम रोकना भी पड़ा था। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि नदी में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ मामूली ही होती है और इससे इलाके को नुकसान भी नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी पुल का स्ट्रक्चर का गिरना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं पुल बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी और मजदूर बरसात शुरू होने से पहले ही साइट छोड़कर चले गए हैं। तो बता दें पिछले काफी समय से पुल बन रहा था, हालांकि मामूली बाढ़ आई जिसके वजह से पुल पूरी तरह से बह गया बाढ़ में। वहीं लोगों ने कहा है कि हालांकि बाढ़ इससे पहले भी कई बार आती है, लेकिन इस तरह से मामूली बाढ़ होने के बाद भी कोई नुकसान नहीं होता है। वहीं पुल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का भी आरोप कंपनी पर लगाया गया है। साथ ही लोगों ने कहा है कि बाढ़ की वजह से इलाके में कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे ही पता चलता है कि पुल में किस तरह की घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। वहीं बता दें पुल बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी और मजदूर बरसात शुरू होने से पहले ही साइट पर काम छोड़कर वहां से चले गए थे, जिसके बाद अब मामूली सी बाढ़ आने की वजह से पूरी तरह से ये पुल ढह गया और किसी ने इस पुल के ढहते हुए एक वीडियो भी बना लिया जो अब पूरे इलाके में तेजी से वायरल किया जा रहा है। केरल में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है और इस दक्षिण भारतीय राज्य में लगातार चौथे दिन यानी कि शुक्रवार को भी 20,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए। ऐसे में यहां सख्त वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला भी किया गया जो आज से लागू हो गया है और ये पाबंदी सोमवार सुबह तक जारी रहेगी। माना जा रहा है कि पिनराई विजयन सरकार के इस फैसले से राज्य में कोरोना के संक्रमण की कड़ी टूटेगी। बता दें कि पिछले साल कोरोना के मामले से सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से निपटने के लिए केरल का नाम दुनिया भर में छा गया था। हालांकि इस वक्त राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले देश में खतरे का अंदेशा के रूप में सामने आ रखे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान केरल में 20,772 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में शुक्रवार रात तक कुल संक्रमितों की संख्या 33 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं 116 नई मौतों के साथ जान गंवाने वालों का कुल आंकड़ा 16,701 पहुंच गया है। बता दें केरल में तेज टीकाकरण अभियान के बाद
बावजूद भी पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 13.61% हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्य में सख्त वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और इसके तहत केरल में 31 जुलाई यानी कि आज से और 1 अगस्त को सख्त लॉकडाउन रहेगा, जिससे कोरोना संक्रमण की कड़ी टूटने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो बताते हैं लगातार केरल में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आज और कल यानी कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन केरल में रहेगा। हालांकि ये लॉकडाउन सोमवार को 2 अगस्त की सुबह ही खुल जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।